Morning everyone. We are doing the fractions and we have done the basic concept fractions का. हमने ये भी पढ़ा कि हम किस तरीके से एक चीज़ को two equal halves में divide करते हैं. तो वो जो one part होता है that is called 1/2. It means one half. जब हम कुछ collection को three parts में divide करते हैं then it is called 1/3. 1/3. अगर मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उनमें से एक पार्ट को अगर मैंने ले लिया सो दैट इज 1/3 है ना. एंड उसके अंदर कितने पार्ट्स कितनी चीज़ें हो सकती हैं हमने वो भी किया. जैसे हमने 12 स्केच पेन्स को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था तो वी सॉ कि हमने क्या देखा था, एक पार्ट के अंदर 4 स्केच पेन्स आए थे है ना. नाउ इन टुडेज क्लास वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड 1/4. किसी भी कलेक्शन का 1/4 कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऑब्वियसली सारे कलेक्शन को क्या करेंगे, फोर सारे स्केचेस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे, यू विल गेट 1/4 है ना. सेकेंड थिंग हम ये भी जानेंगे कि बिना हम हर बार डिवाइड करते जा रहे हैं है ना, 1, 2, 3, 4 फिर एक और 1, 2, 3, 4 फिर एक और 1, 2, 3, 4 है ना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. क्या कोई और तरीका है 1/4 निकालने का? बिकॉज जैसे हमने कल देखा डिवाइड करने के बाद हमें पता चला कि 1/3 के अंदर 4 स्केच पेन्स थे है ना. नाउ कोई और तरीका है कि मुझे स्केच पेन की हेल्प ही ना लेनी पड़े या मुझे किसी और चीज़ की हेल्प ही ना लेनी पड़े ये फाइंड आउट करने के लिए कि 1/4 में 1/3 में कितने स्केच पेन्स होंगे है ना. सो वी विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो इन टुडेज क्लास. नाउ सपोज आई हैव दीज 20 स्केच पेन्स ठीक है. अब मुझे इसका 1/4 बनाना है, 1/4 पार्ट को अलग करके रखना है. 1/4 पार्ट का क्या मतलब है, 1/4 इसका मतलब मुझे इसके 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं. तो सबसे पहले आई विल मेक 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ इट. कैसे होगा, 1 स्केच पेन एक को दे दिया, 1 स्केच पेन दूसरे को, 1 स्केच पेन तीसरे को एंड 1 स्केच पेन फोर्थ को ठीक है. इस तरीके से आई एम मेकिंग 4 इक्वल पार्ट्स. नाउ एक और करके फिर से एक एक स्केच पेन डालूंगी, 1, then 2, then 3, then 4 और 4 ले लिए मैंने ठीक है. फिर से 4 इक्वल पार्ट्स में दूंगी 4 पार्ट्स को, 1, then 2, then 3, then 4 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती जा रही हूँ मैं ठीक है. अभी फिर से मैं 4 और लूँगी और डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी 4 इक्वल पार्ट्स में, 1, then 2, then 3, then 4 फिर से और बचे हुए हैं इनको भी कर देंगे हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, 1, then 2, then 3, then 4 तो अभी मेरे पास जो स्केच पेन्स हैं वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 1, 2, 3, 4 इनमें से अगर मैं किसी भी एक पार्ट को लेती हूँ सो दिस पार्ट इज कॉल्ड 1/4. दिस इज कॉल्ड 1/4, 1/4. कैसे रीड करेंगे हम इसको, 1/4. और इस 1/4 में टोटल कितने स्केच पेन्स हैं, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 फाइव स्केच पेन्स हैं. इसका मतलब जब मेरे पास 20 स्केच पेन्स थे और मैं उसको 1/4 में डिवाइड करती हूँ तो उसके 1 पार्ट के अंदर, सिंगल पार्ट के अंदर, 1/4 के अंदर कितने स्केच पेन्स मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 अब हम समझेंगे कि 1/4 जस्ट लाइक ये हमने स्केच पेन्स को किया ना, हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1/4 का. कैसे हमें पता चलेगा, सपोज करो हमारे पास ये कितने स्टार्स हैं, 16 स्टार्स हैं है ना. आप क्या करेंगे, इन 16 स्टार्स को मुझे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. ऑल दो मैंने इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर से स्टार्स को कलर कर दिया है ठीक है, तो मुझे बड़ा इजीली पता चल रहा है कि जब मैंने इनको 16 स्टार्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसमें से 1 पार्ट जो होगा, इट मीन्स ये 1 पार्ट क्या है, इसके अंदर 4 स्टार्स हैं है ना. 16 स्टार्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ये ब्राउन कलर के स्टार्स, ब्लू कलर के स्टार्स, पर्पल कलर के स्टार्स एंड ग्रे कलर के स्टार्स, तो उसमें से ब्राउन कलर के स्टार्स भी 4 हैं ठीक है. तो इसका मतलब 4 में से ये 1 पार्ट हो गया है ना, 1 आउट ऑफ 4 इट मींस 1/4. एंड सेकेंड थिंग
ऑब्वियसली कि इस 1/4 के अंदर कितने स्टार्स हैं, 4 स्टार्स हैं। इसका मतलब जब मैं 16 को 1/4 में डिवाइड करती हूँ या 1/4 लेती हूँ 16 का, सो आई गेट 4, है ना। सिमिलरली ब्लू स्टार्स, ये भी 1/4 होगा, 4 स्टार्स हैं इसके अंदर। पर्पल स्टार्स, ये भी 1/4 होगा, इसके अंदर भी 4 स्टार्स हैं। एंड सिमिलरली दैट इज ग्रे स्टार्स, वो भी 1/4 है, दैट इज 4 स्टार्स उसके अंदर हैं। तो 16 को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इट मींस 1/4, और एक पार्ट को लेंगे दैट इज कॉल्ड 1/4, उसके अंदर 4 स्टार्स होंगे। ओके, नाउ कमिंग टू अनदर थिंग। सपोज करो, How many sparks are there? Count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sparks. Now, iske andar shaded kitne hain? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Shaded hai na? Brown color se, red color se shaded hai. So, 8 sparks jo hain, those are shaded sparks. To ab mujhe inka fraction banana hai. शेडेड स्पार्क्स का फ्रैक्शन कितना होगा? हाउ वी विल फाइंड दैट? सो देयर आर 8 स्पार्क्स विच आर शेडेड, कलर्ड जो हैं, दोज आर 8 स्पार्क्स। तो आई विल राइट 8, देन आई विल पुट अ फ्रैक्शन साइन, अ लाइन, अ बार, ठीक है, 8 के नीचे। एंड देन व्हाट आई विल राइट? 11, because total number of sparks कितने थे? 11 थे। So इसका shaded sparks का fraction क्या बना? 8/11. So this is how we find the shaded number का fraction. Similarly unshaded number का fraction भी हम निकाल पाएंगे, है ना? Unshaded 3 हैं, तो हम इसको लिख सकते 3/11. Now coming to the next thing. अब सपोज करो मेरे पास ये निकालना है, मुझे 30 मेरे पास स्केच पेन्स हैं, अभी जैसे 20 थे ना, ऐसे 30 स्केच पेन्स हैं, और उनका मुझे 1/6 देखना है। मतलब उसके अगर मैं 6 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दूंगी, तो उसके 1 पार्ट में कितने स्केच पेन्स आएंगे? जैसे अभी हमने 20 स्केच पेन्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 1 पार्ट के अंदर 5 स्केच पेन्स थे, है ना, अभी अभी हमने किया। इसमें कितना होगा वो कैसे करेंगे? इसका एक तरीका है, मैथमेटिकल वे, बहुत इजी सा वे है, दैट इज 30/6। हम 1/6 ऑफ 30 को 30/6 भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, इस अपॉन का, ये लाइन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? दिस एक्चुअली मीन्स they divide, it means 30 divided by 6. इसका मतलब अगर मुझे 30 का 1/6 निकालना है, तो मुझे बेसिकली 30 को 6 से डिवाइड करना है। हम सबको आता है 30 को 6 से डिवाइड करना, हमने डिवीजन पढ़ लिया है ना, 6 5s are 30, सो आंसर विल बी 5. इसका मतलब अगर मैं 30 स्केच पेन्स को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा 1 पार्ट के अंदर। सो दिस इज हाउ वी डू। अगर 1/6 ऑफ 30 है, इसका मतलब 30 को मैं 6 से डिवाइड कर दूंगी, एंड डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, दैट विल बी टेलिंग अस, वो हमें बताएगा कि ओके, जब हम किसी कलेक्शन को डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसके एक पार्ट के अंदर कितने चीज़ें होती हैं, कितनी थिंग्स होती हैं। नाउ यू कैन डू द एक्सरसाइज।